हेलो दोस्तों, तो आज हमने ये बताना है कि तस्वीर का बैकग्राउंड किस तरह से चेंज किया जाए, और वो भी इजी, बिल्कुल कोई सिलेक्शन नहीं करनी है, सिर्फ एक ही जो है क्लिक से आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद हमने सर्च करना है ऑटोमेटिक अपना बैकग्राउंड, ऑटोमेटिक बैकग्राउंड चेंजर हमने सर्च कर लेना है। तो उसके बाद आप देखें ये ऐप्स आ गए हैं, लेकिन हमने जो ये नंबर 3 पे ऐप आपको नज़र आ रहा है जो है ये डाउनलोड करना है। मेरे पास ये पहले ही डाउनलोड है, तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही ये ओपन होगा तो हमारी जो है ना गैलरी आ जाएगी। तो गैलरी में से हमें कोई भी तस्वीर जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं ये कर लेता हूँ सिलेक्ट। अब अगर क्रॉप करना है तो ये जो है अपना लेफ़्ट कॉर्नर पे जो है ऊपर टॉप पे क्रॉप का ऑप्शन, वहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन हमने जो है राइट में जो नेक्स्ट का ऑप्शन है, ये जो एरो बना हुआ है, इस पर हमने क्लिक करना है, और इस क्लिक से ऑटोमेटिक जो है रिमूव हो रहा है। ऊपर देखें आप 100%, थोड़ा ही हमें वेट करना पड़ेगा और हमारा जो है बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसमें नीचे दिए गए ये देखो ये बैकग्राउंड है कि कोई भी हम सिलेक्ट करेंगे कहीं भी जो है, फिर उसे एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने अपना ही कोई बैकग्राउंड चूज़ करना है अपनी डिवाइस में से ही, तो यहाँ देखें इन्हीं जो बैकग्राउंड में इधर स्टार्ट में है ये जो तस्वीर का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम आप जो है अपनी गैलरी में आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने कोई भी जो है वो कर लेनी है, जैसे कि मैं यही कर लेता हूँ, ये हमने किया तो हमने अब इसको कहीं भी कर लेना है, और ये सेव का ऑप्शन है, तस्वीर आपकी सेव हो रही है, ये हो चुकी है। अब आपको अपने जो है ना मोबाइल गैलरी में ही मिल जाएगी ये सेव तस्वीर। और ऐसी और भी ट्रिक्स देखने के लिए जो है हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। शुक्रिया।